वाइल्ड लाइफ थ्रिल चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज की इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं चीता वर्सेस ऑस्ट्रिच। एक तरफ है दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी और एक तरफ है दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला बर्ड। अगर हम चीता और शुतुरमुर्ग की स्पीड का कंपैरिजन करें तो चीता 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और ऑस्ट्रिच 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। अगर हम वजन की बात करें तो एक अड़ल चीता 21 किलो से 72 किलो तक का होता है। वहीं हम ऑस्ट्रिच की बात करें तो एक ऑस्ट्रिच 100 किलो से 120 किलो तक का होता है। एक शुतुरमुर्ग का वजन ऑलमोस्ट चीते से डबल होता है। एक अड़ल चीते की हाइट 70 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक होती है। वहीं एक ऑस्ट्रिच मेल की हाइट 2.1 से 2.8 मीटर तक होती है। दोस्तों वैसे तो शुतुरमुर्ग अफ्रीका के रेतीले इलाकों में पाया जाता है, वही चीता अफ्रीका के मैदानी इलाकों में पाया जाता है। शुतुरमुर्ग सबसे कम पानी पीने वाला पक्षी है। रेतीले इलाकों में उगने वाले पेड़ों को यह अपना भोजन बनाता है और उसी से पानी जनरेट करता है। एक शुतुरमुर्ग बिना पानी के 60 दिन तक जिंदा रह सकता है। दोस्तों अगर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ऑस्ट्रिच की टांगे सबसे बड़ी और नुकीली होती है, जिससे वो शिकारियों से अपने आप का बचाव करता है। अपने लंबे और नुकीले पैरों की वजह से वो शेर या चीते को एक ही झटके में गिरा दे सकता है। वहीं हम चीते की बात करें तो चीता एक हर्बीवर है और अपने फूड के लिए वो दूसरे एनिमल की शिकार करता है। चीता भले ही दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है, मगर उसका एक डिसएडवांटेज भी है, वो हाई स्पीड में अपना डायरेक्शन बदल नहीं सकता।